हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर बेस्ट टेक यूट्यूब चैनल। तो हम आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे WPS राइटर के नेक्स्ट टॉपिक यानी इंसर्ट, टैब और जो बाकी के थोड़े बहुत फंक्शन हैं उनके बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन एक्सप्लेन करके अगले वीडियो में मैं इसको फुल एक्सप्लेन करके इस ट्यूटोरियल को फिनिश करके हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें। तो जो कोई भी इस चैनल को यानी पहली बार देख रहे हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं और भी ऐसे ट्यूटोरियल्स और टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हेडर और फूटर के बारे में। वैसे बेसिकली दो बटन्स मैंने पिछले ट्यूटोरियल में समझाए हुए हैं। वैसे हेडर और मोटर का सबसे पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं, हेडर और फूटर का है क्या। जैसे कि आपको ये पेज दिखाई दे रहा है, इसका जो टॉप वाला पार्ट है उसको हेडर बोलते हैं और जो इसका बॉटम वाला पार्ट है उसको फूटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे WPS राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए हेडर पार्ट के लिए स्पेशल बॉक्स बना हुआ है, जो ये देखिए ये दो कॉलम्स के बीच में बना हुआ है। अगर मैं इन पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये हेडर की अलाइनमेंट शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आप इजीली पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं कुछ भी। और सेम इसी तरह आप फुटर में भी यानी नीचे भी पेज नंबर वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। सो ये था हेडर और फुटर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि पेज नंबर के बारे में, पेज नंबर है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर पेज नंबर नो पेज नंबर सेट है। आप बाय डिफ़ॉल्ट आप हेडर पे, फुटर पे, जहाँ मर्जी चाहें पेज नंबर सेट कर सकते हैं। और अगला बटन है हाइपरलिंक का। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये देखें बहुत सारे वाटरमार्क दिए हुए हैं, जो आपने यूज़ करना है तो यूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने इसको चूज़ किया है तो ये देखिए डू नॉट कॉपी, तो ये वाटर मार्क बन गया है हमारे पेज के अंदर। और इसी की हेल्प से आप इसको कस्टमाइज यानी कि चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। अभी देखिए अगर आप खुद का अपना वाटर मार्क बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इजीली इसके डॉक्यूमेंट से बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ और देख देता हूँ, तो ये देखिए मैंने अब इंसर्ट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर पेज के बीचों बीच बेस्ट टेक वीडियोस लिखा आ रहा है। सो इस तरह आप अपने वाटरमार्क को इजीली पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले बटन के बारे में यानी हाइपरलिंक। वैसे हाइपरलिंक के बारे में वैसे ज़्यादातर लोगों को पता ही है, ये दो पेजेस को लिंक करने में काम आता है, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो ईमेल एड्रेस हो या पेज नंबर हो। सो इसकी हेल्प से आप इजीली अपने प्रिंट अपने डॉक्यूमेंट को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। और अगला बटन है जो है वो क्रॉस रेफरेंस का है। तो यहाँ पर आप इजीली रेफर कर सकते हैं यानी चेक करने के लिए कि आपको पेज नंबर कितने चाहिए, हेडर फुटर नोट्स वगैरह, तो ये उसी के काम आता है। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल करके नेक्स्ट बटन यानी बुकमार्क की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर बुकमार्क दिए हुए हैं। वैसे आपको पता ही है बुकमार्क किस लिए होता है, जैसे कि कोई स्पेशल पेज है उसको बुक मार्क लगा कर आप इजीली उसको नोट कर सकते हैं कि हमारे स्पेशल पेज है ये। तो यहाँ पर हमें कोई भी टॉपिक अगर लिखा है तो उसको यहाँ से इजीली बुक मार्क लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैब की और यानी पेज लेआउट में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला बटन दिया हुआ है थीम का। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे थीम आपको नज़र आ जाएंगे, तो इनमें से आप कोई भी थीम अपने पेज में लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कलर स्कीम्स भी दी हुई हैं, तो इनको भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कंपोजिट पे सेट है। और अगला बटन जो है फ़ॉन्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो आप फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे उसी से आपका पूरा डॉक्यूमेंट टाइप होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट बटन है वो है इफ़ेक्ट्स का। तो ये इफ़ेक्ट्स है जो आपके पेज में बाय आप सेट कर सकते हैं। और अब अगले बटन पर आ जाते हैं, यहाँ पर मार्जिन है जो ये बताता है हमारे पेज का जो टॉप से बॉटम, बॉटम राइट लेफ्ट टोटल, यानी कि जो कोई भी आपका पेज लेआउट है उसका टोटल मार्जिन कितना है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल पर सेट है, ये नैरो है, मॉडरेट है, और आप कस्टम मार्जिन भी बना सकते हैं यानी कि अपना खुद का। तो इस तरह आप
मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन की है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अब बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट पर सेट है तो इसलिए ये पोर्ट्रेट भी दे रहा है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट बटन इन साइज़ की ओर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे साइज मिल जाएंगे। वैसे जो मेन जो साइज़ यूज़ होता है वो A4 है, क्योंकि वही प्रिंटिंग में मेन माना जाता है। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप A4 साइज़ से ही अपना कोई भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार करें। अब हम बात कर लेते हैं कॉलम पे। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और मल्टीपल मोर कॉलम्स पे बहुत सारे कॉलम्स। आप ये देखिए कैसे कॉलम्स दिखेंगे। ये 1 है हमारे वहाँ पे में, वैसे 1 सेट होता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर आप मल्टीपल कॉलम्स भी सेट करके इसे लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट बटन यानी कि टेक्स्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप इजीली अपने टेक्स्ट जो आपने डाटा लिखा हुआ है उसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। और उसका अगला बटन है ब्रेक का। आप यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं मैंने आपको पहले ही बताया, ये पेज ब्रेक के हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने पेज को ब्रेक करके दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और आराम से उनका जो आप जैसे आप यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन नंबर है तो यहाँ पर नन है। अगर आपको स्पेशल लाइन नंबर डालनी है तो यहीं से आप यूज़ कर सकते हैं। ये अपने आप पैराग्राफ की सेटिंग वगैरह कर देगा और नंबर भी दे देगा। यहाँ पर आप कलर पेज कलर का जो है यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं पेज के कलर्स को। और अगला जो बटन है वो है पेज बॉर्डर। अगर आप चाहें तो यहाँ से पेज बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ये देखिए आपके कौन से स्टाइल में बॉर्डर चाहिए पेज के आसपास, तो यहाँ से आप इजीली सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो अब हम बात कर लेते हैं रैप टेक्स्ट के बारे में। वैसे रैप टेक्स्ट होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे इसका बेसिकली काम जो है ये यही है कि जो आपके ऑब्जेक्ट फाइल में उनको रैपिंग करता है आपके डॉक्यूमेंट में। तो आप इसका इस्तेमाल अपने कोई भी ऑब्जेक्ट को, ये देखिए जैसे कि इसमें दिया हुआ है पर अभी हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाला है। सो उसकी सेटिंग के लिए, ये ऑब्जेक्ट की सेटिंग के लिए ये बहुत अच्छे से काम आता है। यहाँ पर अगला बटन है तो अलाइनमेंट का। तो यहाँ पे आप अपने अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, अलाइन टॉप राइट। तो यहाँ पर सारे जो अलाइनमेंट के हैं उसी से रिलेटेड सेटिंग दी हुई है। अगला बटन है ग्रुप अनग्रुप। अगर आपने कोई 2 से 3 या कोई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो उनको यहाँ से ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। और यहाँ से आप कोई भी चीज़ जो आपने टेक्स्ट है चाहे जो कुछ भी लिखा हो तो उसको ही रोटेशन चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सिलेक्शन पेन। मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया हुआ है ट्यूटोरियल 1 में। वैसे बेसिकली सिलेक्शन के लिए काम आता है कोई भी ऑब्जेक्ट के। और नेक्स्ट है सेटिंग। यहाँ से आप पे सेटअप की सेटिंग खोल सकते हैं और पैराग्राफ की। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टैब यानी कि रेफरेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो बटन दिया हुआ है वो इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स है। तो यहाँ से आप इजीली टेबल में कोई भी कॉन्टेक्ट जो आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग 1, 2, 3। तो इस तरह आपका ये कंटेंट आपका टेबल तैयार होगा। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अपडेट TOC वैसे ये जो अपडेट आती है सॉफ्टवेयर में तो उसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट बटन है TOC लेवल। तो यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट सेट है बाय डिफॉल्ट। अगला बटन है यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट प्रीवियस नेक्स्ट फुट नोट। तो इनके बारे में आपको पता ही है, ये फुट नोट्स के रिलेटेड है। यहाँ पर एंड नोट भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखें इसका भी बटन दिया हुआ है तो यहाँ से आप इजीली एंड नोट डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस एंड नोट और नेक्स्ट एंड नोट की। ये भी एंड नोट के रिलेटेड है, ये बस प्रीवियस और नेक्स्ट है तो उसके रिलेटेड सेटिंग खोलेगा। यहाँ पर फुट नोट और एंड नोट के स्पेकुलेटर शुरू हो जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कैप्शंस के बारे में। ये इसका बेसिकली काम ये है, जो आपने कोई भी पिक्चर डाली है तो उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे कि आपने उसको एक्सप्लेन करना है तो उसके रिलेटेड ये टेक्स्ट बॉक्स डालता है। तो इस तरह आप कैप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर टेबल 1 मैंने वैसे कोई चीज़ डाली नहीं है इसलिए यहाँ पर एक ही टेबल बनेगा। तो नंबरिंग वगैरह यहाँ से आप इजीली सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको सेट
कैंसिल कर देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉस रेफरेंस। वैसे क्रॉस रेफरेंस हेडिंग और फिगरिंग के काम आता है जो भी कुछ आप डॉक्यूमेंट में डालते हो। और ये मार्क एंट्री, आप अगर कोई भी आप चीज़ मार्क करना चाहते हैं, स्पेशल इंडेक्सिंग करना चाहते हैं, तो वो इसी के हेल्प से है हो सकता है। तो ये भी उसी से, ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो ये इन्हीं का ही अपडेट हैं इंडेक्स के। तो नेक्स्ट बटन है मेल मर्ज का। वैसे मेल मर्ज होता क्या है, जब हम कोई किसी को मल्टीपल मेलिंग करना चाहते हैं तो मेल मर्ज काम आता है। तो इसका जो बेसिकली यही फंक्शन है कि आप कम से कम टाइम में कम कंटेंट लिख के एक से ज़्यादा पर्संस को ईजिली मेल करना। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट बटन यानी कि सेटिंग्स। तो यहाँ पर फुट नोट्स और एंड नोट्स की सेटिंग्स खोल सकते हैं और उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगला बटन टैब है रिव्यू व्यू का। रिव्यू में यह देखिए यहाँ पर ऐड स्पेल और सेट लैंग्वेज, यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। और ये जो स्पेल चेक का बटन है, यहाँ से आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके उसकी करेक्शन कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं वर्ड काउंट की। यहाँ पर आप जो अपने वर्ड लिखे होंगे, टाइप किए होंगे, तो वाओ यहाँ पर काउंट होंगे। यहाँ पर ट्रेजर है, तो यहाँ पर आपको सजेशन मिल जाएगी कि आपने कहाँ गलती की है, तो ये उसी को सजेस्ट भी कर देगा कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। जैसे कि अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट चाइनीज़ सेट है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज सेलेक्ट है वो कुछ और है। तो आप कोई और भी जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कन्वर्जन देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट बटन जो दिया है न्यू कमेंट का, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा दिया था कि आपने कमेंट कैसे डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के रिलेटेड। यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं और नेक्स्ट कमेंट भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अगर बढ़िया लगा है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।